आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से किसी के भी मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, या फिर आप फ्लिपकार्ट से किसी के भी क्यूआर कोड पर पैसे भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसे अपडेट कर लेंगे तो आपके सामने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसके अंदर भी एक नया फीचर आ गया है जिसका यूज करके आप यहां से भी आप पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं और बिल भी आप जमा कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज करना, कोई भी बिल जमा करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, यूपीआई में, फ़ोन नंबर में, क्यूआर कोड में, सारा कुछ यहां से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक नया ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा आपको स्कैन एंड पे और आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई देगा माई यूपीआई और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप माई यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है तो यहाँ पर हमारा यूपीआई हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करके अपना कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपना क्यूआर कोड हम देख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेमेंट मेथड और हमको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड बैंक और आपको इस पर क्लिक करके अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होता है। उसके बाद आपका यूपीआई आईडी यहां पर बन जाता है जो कि आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां से अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं। अब आप यहां से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अकाउंट पर पैसे भेजे हुए हैं 10 रुपये जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो आप यहां से पैसा भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले मिलता है गेट, यहाँ पर मिलेगा स्कैन एंड पे। अगर आप किसी के क्यूआर कोड पर पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंड मनी सबसे नीचे, तो आपको सेंड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप किसी के भी मोबाइल नंबर पर पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, तो आप किसी के भी मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके किसी के भी यूपीआई आईडी में भेज सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके उसका यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम यूपीआई, कोई भी उसका यूपीआई हो वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आप क्यूआर कोड को भेजना चाहते हैं क्यूआर कोड पर, तो नीचे मिलेगा स्कैन एंड पे और आप इस पर क्लिक करके आसानी से भेज पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड पर पैसे नहीं भेजना चाहते हैं, हम यूपीआई आईडी में भेजना चाहते हैं और वो भी हम किसके यूपीआई में। तो हम यहाँ से आ जाते हैं बैक, चलते हैं हम अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पर। हम यहाँ पर अपने ही फ़ोन पे एप्लीकेशन पर पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा यूपीआई यहाँ से आ जाएगा और इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से आ जाते हैं बैक और चलते हैं अपने फ्लिपकार्ट पर। यहाँ पर हम उसका यूपीआई डालेंगे जिसके भी आप भेजना चाहते हैं मोबाइल पर, तो यहाँ से, तो यहाँ पर हम उसका यूपीआई एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे दिखाई देगा उसका नाम क्या है, तो ये मैंने ही डाला हुआ है अपना वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसका यूपीआई वेरीफाई हो जाएगा, उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप नोट में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जो पैसे भेज रहे हैं किस कारण के वजह से भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पर डालेंगे सिर्फ 1 रुपये और हम भेजना चाहते हैं किस वजह से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिफ्ट, हम गिफ्ट देना चाहते हैं, अपना डाल देना। उसके बाद नीचे मिलेगा आपको पे करने का ऑप्शन और आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तो ये बता दें ये सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपीआई पिन डालूंगा। तो इसके बाद राइट करेंगे, जैसे आप राइट करते हैं जो आपका पेमेंट होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं कि आपका 1 रुपये चला गया है आपके दूसरे फ्रेंड के पास। तो इस तरीके से अब आप फ्लिपकार्ट से भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी यहां पर नहीं मिलेगी। मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि इस तरीके से फ्लिपकार्ट से भी आप पैसे का लेन देन यानी कि यूपीआई से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप यहां पर कोई भी सामान अगर ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करते समय
आपको यहाँ पर किसी अदर एप्लीकेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप फ्लिपकार्ट से ही अपने यूपीआई से ही पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और एक बार अपडेट जरूर कर लेना। अपडेट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।